हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। यीशु ने कहा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 में लिखा हुआ है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो, ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। पौलुस साफ बता रहा है मेरे प्रियो अपनी पत्री में कि हम अन्य जातियों के समान अज्ञान रहे, जिन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, उनके विषय में हम शोक न करें क्योंकि उन्हें आशा नहीं है, और हमें आशा है कि यीशु मसीह हमें लेने आएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-17 में लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा तो परमेश्वर अपने दूत को आज्ञा देगा कि तुम जाओ, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है उनको बदल कर ले आओ। जो मसीह में मर चुके हैं, जो मसीह में पहले मर चुके हैं वे पहले जी उठेंगे, और जो हम जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर, यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। और जिस समय इस पृथ्वी पर से कलीसिया उठा ली जाएगी, उस समय शुरू हो जाएगा 7 साल का महाभारी क्लेश काल का। जो लोग यहाँ रह जाएंगे उनके लिए कोई आस की किरण नजर नहीं आएगी, वे लोग बिन चरवाहों की भेड़े बन जाएंगे। तब एक मनुष्य उठेगा शैतान की तरफ से, वही पशु होगा, वही मसीह विरोधी होगा, शांति शांति करके बैठाएगा, जैसे दानियल 9:27 में लिखा हुआ है, और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली दृढ़ वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। वह मसीह विरोधी बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, मतलब झूठी दिलासा देगा, और वह एक सप्ताह का मतलब होता है 7 साल। 7 साल तक बहुतों के साथ झूठी दिलासा देगा, परंतु आधे सप्ताह का मतलब होता है 3.5 साल। आधे सप्ताह का मतलब होता है 3.5 साल, क्योंकि 7 साल का महाभारी क्लेश काल होगा इस पृथ्वी पर। और दृढ़ वस्तु का मतलब है मूरत जो मंदिर में बैठाई जाएगी, यशाया 26:19 में लिखा हुआ है, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे, हे मिट्टी में बसने वालों जाग उठो, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है, और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। जो मसीह में मर चुके हैं वे फिर से जिंदा होंगे, जब यीशु मसीह आएगा तब मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। पहला कुरिन्थियों 15:50-56 में लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ, पौलुस कह रहा है, कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं, और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। ये जो हमारा शरीर है मांस और लहू में स्वर्ग नहीं जाएगा, आत्मिक में जाएगा, स्वर्गीय देह में जाएगा, और जो विनाश जो नाश हो जाता है, अविनाश जो कभी नाश नहीं होता है, उनका अधिकारी नहीं हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, कौन कहता है, पौलुस कहता है कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे जब यीशु मसीह आएगा, और जो यीशु मसीह में मर चुके हैं वे सब क्षण भर में पिछली तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि जब तुरही फूकी जाएगी जो मसीह में मरे हैं अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे, जो शरीर कभी नाश नहीं होता है, और तब हम सब बदल जाएंगे।
क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान दे अविनाश को पहन ले, जो शरीर नाश हो जाता है, जो अविनाश जो पहनेगा जो कभी नाश नहीं होता है, और मरणहार दे अमृता को पहन लेगा, तो वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, जो मरण हारते हैं वह अमृता को पहन लेगा, मतलब जो शरीर नाश हो जाता है वह अमृता को पहन लेगा, यानी अमर अमर हो जाएगा, जो कभी नाश नहीं होता है, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक तो पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। इससे पहले परमेश्वर को गिफ्ट दे रहा है, कौन सा गिफ्ट दे रहा है सुनो, यीशु ने कहा है देख मैं चोर के समान आने वाला हूँ, धन्य है वह जो जागता रहता है। यीशु मसीह कभी भी किसी घड़ी भी आ सकता है, वह घड़ी सुबह की भी हो सकती है, दोपहर की भी हो सकती है और रात की भी हो सकती है। यीशु ने कहा अपने वचन में, यीशु ने कहा अपने वचन में एक लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी चक्की पीसती रह जाएगी। दो स्त्रियां मार्केट जा रही होंगी, एक बदल कर उठा ली जाएगी और दूसरी वहीं पर छोड़ दी जाएगी। क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है दो किसान खेत में होंगे, दो किसान खेत में काम कर रहे होंगे, एक को बदल कर उठा लिया जाएगा और दूसरा दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। दो लोग एक खाट पर सोते होंगे, एक को लिया जाएगा और दूसरे को सोने के लिए वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। यीशु ने कहा था तुम तैयार रहना, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होगे उसी घड़ी में आ जाऊंगा। यीशु ने कहा था तुम्हारे मन खुमार न हो जाए, कहीं तुम्हारा मन इस जीवन की चिंताओं से सुस्त न हो जाए, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, क्योंकि यीशु मसीह अचानक आ जाएगा तब आपको मन फिराने का अवसर नहीं दिया जाएगा। मसीहों का उठा लिया जाना यह सब क्षण भर में और पलक मारते ही यह सब होगा, अचानक होगा, पिछली तुरही के फूकने के बाद ही यह सब होगा, अचानक होगा। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, किसी घड़ी भी आ सकता है। यीशु ने कहा था तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, क्योंकि अगर यह छूट गए मसीह विरोधी के हाथ में बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए परमेश्वर के साथ जरूर चले जाना, यीशु मसीह के साथ जरूर चले जाना, यह मसीह विरोधी के हाथ में मत पड़ना, क्योंकि अगर यहाँ कोई पड़ जाएगा उसका बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए तैयार रहो और प्रार्थना करते रहो, यीशु मसीह के साथ जरूर चले जाना, पाप छोड़ दो और बुराई छोड़ दो, यीशु के पास लौटो, परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा, परमेश्वर आपको भुला रहा है। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह बहनों के पास शेयर जरूर कर देना, क्या पता आपके एक शेयर से लाखों करोड़ों आत्माएं बढ़ सकती हैं। मेरे पीढ़ियों, परमेश्वर इसके बदले आपको मुकुट देगा, स्वर्ग का जीवन देगा, अनंत काल का जीवन देगा। यीशु मसीह परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।